कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि इस टाइम हम लोग सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर डगन बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत बड़ी फोर्स भी है। बट अपना मेन टारगेट ये नहीं है कि हमें उसके अंडर काम करके हमें भी बहुत अमीर बनना है या फिर बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है, वो हम लोग ऑलरेडी है। तो रहन दो फिर। अपना मेन टारगेट है उस बंदे को किल करने का। वैसे तो उसके साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी थी, जो कि लड़ाई खत्म भी हो चुकी थी, बट उस बंदे ने हमारे ऊपर सीक्रेटली अटैक करा, एक असासिन को भेज के हमें मरवाने का ट्राई करा। बट ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी और हम लोग वहाँ से जैसे जैसे बच निकले। बट अच्छी बात तो ये है कि डगन बॉस को ऐसा लगता है कि उसने हमें मरवा दिया है, बट असलियत में हम लोग जिंदा हैं। और लेस्टर के प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग डगन बॉस के अंडर काम करके उसके सारे सीक्रेट्स पता करेंगे, उसके राइट हैंड बनेंगे, फुल चमचा बनना पड़ेगा। अभी जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे, बट टाइम आने पर हम लोग उसे मार डालेंगे। फिलहाल मैं अभी अपने डीलरशिप पे आया हुआ था। यहाँ पर ये क्या चल रहा है भाई, लोग अपनी गाड़ियों से डांस कर रहे हैं और उधर कुछ तो सस्ते गैंगस्टर्स की डीलिंग चल रही है। बहुत छोटे मोटे लोग हैं, इनसे अपनी कोई दुश्मनी दुश्मनी नहीं है फिलहाल। हाँ, डगन बॉस के लिए हमने ना लास्ट टाइम एक सुप्रा चुराई थी, उसने किसी बहुत ही बड़े रिच आदमी के घर से गाड़ी चोरी करवाई और उसके बाद वही गाड़ी अभी हमें भेज दी मॉडिफाई करवाने के लिए, क्योंकि चोरी की गाड़ी है तो पेंट वेंट चेंज करवाना, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी थी। उस गाड़ी को लेकर मैं आ गया अपनी डीलरशिप पे, जिसे अभी फिलहाल के लिए अपना बेटा जिमी हैंडल कर रहा है। तो फटाफट से चलते हैं। मैं पता नहीं इस एरिया में मैं क्यों घूमने आया था, बट ठीक है यार, बहुत टाइम हो गया। तो ये मैं पहुंच चुका हूं अपने लॉस एंजेलिस के सबसे बड़े कार शोरूम में। Are you sure about that? तो सामने जो आप बड़ा सा ब्लैक वाला बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अपनी है जिसमें हमने अपना कार शोरूम खोला हुआ। बट एक सेकंड, ये जो व्हाइट कलर का कार यहाँ से निकल कर गया है ना, कोई तो बहुत एक्सपेंसिव कार है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतनी कबाड़ हालत में क्यों है। वो शायद से वो बंदा वो गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए हमारे शोरूम में ही आया है। तो ये वाली साइड पे नई कार्स बिकती है और जो बैक वाली साइड है वहाँ पे अपना गैरेज है, जिसे बैनी हैंडल करता है गाड़ियाँ मॉडिफाई करने के लिए। समझ गया। फिलहाल अभी मुझे भी वहीं पर जाना है क्योंकि सुप्रा का कलर चेंज करवाने गाड़ी हमने वहीं रखवा रखी है, बट वहाँ पे बाद में चलेंगे। पहले एक बारी चलते हैं इस तरफ, क्योंकि अपना बिजनेस जिमी हैंडल कर रहा है तो मुझे चल के चेक करना है कि क्या अपने पास गाड़ियाँ आ रही हैं, बिक रही हैं या फिर नहीं। बट एक सेकेंड, ये क्या भाई, अपने शोरूम में कस्टमर पूरे भरे पड़े हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी नहीं देखी यहाँ पे। और गाड़ियों का कलेक्शन इतना सारा कैसे आ गया भाई, इधर बेंटली रेंज रोवर और उधर उधर मस्टैंग, इस तरफ में रोल्स रॉयस, और ये कौन सी कार है भाई, ये कोई भी कार हो, मेरे को मर्सिडीज की GT63 लग रही है। बट हाँ, ये फुल मोड किट लगी हुई है इसमें तगड़ी वाली, तो मैं इसको खरीदने वाला हूँ, मैं अपने शोरूम से ही गाड़ी खरीदूंगा। बट इस तरफ में भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिमी इतना तगड़ा कार बिजनेस कैसे कर पा रहा है। ये जो बैक साइड में तीन कार खड़ी है ना, ये तीनों की तीनों प्रॉपर विंटेज कार है। ये देखने में आपको सस्ती लग रही होगी, मुंबई की काली पीली टैक्सी जैसी, बट एक्चुअल में इसका प्राइस कुछ है ही नहीं भाई, ये प्राइसलेस कार है। ये ऑक्शन में बिकेगी, जितनी ज्यादा बोली लगेगी उतनी की बिक जाएंगी गाड़ियां। चलो गाइस, आज के सोलह वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार जाके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो जाओ फटाफट से नीचे लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। बने रहना सीरीज के साथ, मजा बहुत आने वाला है अभी। बाकी यार, जो लोग चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से जाके फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि इस टाइप की और भी मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी आज के वाली वीडियो को एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।